हेलो नमस्ते वेलकम टु मैथ एडिक्शन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ इन्टरनेट इन्ट्रानेट एक्स्ट्रानेट र इमेल इमेलसँग सम्बन्धित मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू यो भिडियो स्पेसली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल प्री टेस्ट एक्जाम नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याङ्कको लेभल को प्री टेस्ट इक्जाम र अरू कम्पिटेटिभ को लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले यसलाई अन्डसम्म हेर्नुहोला विदाउट वेस्टिङ मस टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो इसमें हमी फोर्टी मल्टिपल चोइस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से फस्ट क्वेश्चन हमीसंग इन द वर्ल्ड अफ इंटरनेट इंटरनेट को दुनिया में डब्लू डब्लूडब्लू को मिनींग होता सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर बी वर्ल्ड वाइड वेब क्वेश्चन नंबर टू रूट डिस्कवरी इज डन बाई डैश लेयर इंटरनेट में ओएसआई मॉडल होना जिसमें सातवटा लेयर लेयर को आफ आफ काम हो यो रूट डिस्कवरी करने काम चाह कस so, right in. को सो so, इसको राइट एंसर होप्शन नंबर ए नेटवर्क क्लिपर थ्री में इमेल वॉज इन्वेन्टेड इन ईमेल को आविष्कार कुछ देश में सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर सी अमेरिका क्वेश्चन नंबर फोर डीएनएस स्टैंड्स फॉर यो डीएनएस को पूर्ण रूप के होता इंटरनेट में सो इसको राइट एंसर हो डोमेन नेम सीस्टम ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फाइव इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट डिफर्स एट इंट्रानेट रानेट बीच को भिन्नता के होता सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर सी इंट्रानेट बने प्राइवेट हो एक्सट्रानेट बने प्राइवेट एंड अल्सो एलाउड अथोराइज पार्टनर्स प्राइवेट होने को साथ साथ ही कहीं अथोराइज पार्टनर्स जो एक्सटर्नल पार्टनर्स हो तीन अधिकार दिया कंपनी को प्राइवेट इंटरनेट एक्सेस करने ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्स tcp ip is used for your tcp ip transmission control protocol slash internet protocol so it's right answer option number c transmission control question number seven the internet was originally a project of which agency You internet was originally, originally a agency of project agency? so it's right answer option number a ARPA क्वेश्चन नंबर एट द फादर अफ इंटरनेट इंटरनेट का पिता बने कसा भो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर ए विंट सफ क्वेश्चन नंबर नाइन हु इन्वेन्टेड वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कार कसले सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स ली क्वेश्चन नंबर टेन हु इज द फादर अफ इमेल इमेल का पिता वह चिंता सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर डी रे टोमलिशन क्वेश्चन नंबर इलेवेन विच अफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मेट अफ इमेल एड्रेस तल दिए चार वा मध्य कौन चाहमे एड्रेस को सही फॉर्मेट हो सो इसको राइट एंसर ऑप्शन नंबर बी नेम एट द रेट वेबसाइट डट इन्फो ऑप्शन नंबर ए हो सकते क्योंकि यहाँ दुईवटा एट द रेट को साइन प्रयोग अलाउड होते ईमेल एड्रेस में ते अप्सन नंबर सी होना यहाँ एट द रेट को साइन नहीं नंबर डी नहीं होदन यहाँ एट द रेट को साइन छे ठीक कोई नंबर ट्वेल्व एसटीएमएल इज यूज टू क्रिएट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के काग प्रयोग सो इसका राइट एंसर होता ऑप्शन नंबर सी वेब पेजेस बनाने कोईन नंबर थर्टी अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट्स इज कल्ड अ वेबसाइट हेरण को प्रोग्राम हम यूज कर सौ के भाइन सो so, इसको राइट एंसर होप्शन नंबर ए ब्राउजर भ Question number fourteen: What is the term for unsolicited email? Unsolicited बन्नाली unwanted हाय If you permission बिना यदि email that is called unsolicited email. So this like the right answer होने option number A spam 15 ma a private computer network within an organization is called a athwa n ke so bhancha like within an organization lekheko cha private computer network so it's like intranet option number b is ko right answer intranet 16 ma which protocol is used for browsing website website herna ko protocol use garinchha option number b http hypertext transfer protocol 17 ma a web address is also called a वेब एड्रेस like के भाई इसको राइट एंसर होप्शन नंबर ए यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर 18 मा विच इज द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड दुनिया को सब भाग नेटवर्क कौन हो अफ कोर्स इंटरनेट हो सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट एंसर 19 मा डिफॉल्ट पोर्ट फॉर एसटीटीपी इज हाइपरटेक्स ट्रांसफोर्ट प्रोटोकल को लागि यूज हुने डिफल्ट पोर्ट नंबर हुन्छ यसको राइट आन्सर हुन्छ होप्शन नंबर सी 80 ट्वेंटी में ओएसआई स्टैंड्स फोर ओएसआई को पूर्ण रूप के हो इसको राइट एंसर ओपन सीस्टम इंटरकनेक्शन ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी वन में विच आईपी एड्रेस इज रिजर्वड फॉर लुप बैक और लोकल होस्ट लूप बैक या लोकल होस्ट को लगी कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व होकर राइट एंसर ऑप्शन नंबर सी वन ट्वेंटी सेवेन डोट जीरो डट जीरो डट वन क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा विच इज नट द रिक्वायरमेन्ट अफ इन्टरनेट इन्टरनेट चलाउनको लागि कुन चाहिँ चिज आवश्यक छैन सो so यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी डस डिस्क अपरेटिङ सिस्टम हुन आवश्यक छैन केवल अपरेटिङ सिस्टम भए पुग्छ जस्ट विन्डोज है ब्राउजर चाहियो हामीलाई मोडर्म चाहिन सक्छ तर डस भन्ने सिस्टम चाहिँ चाहिँदैन त ट्वेन्टी थ्रीमा विच इज नट सर्च इन्जिन तल दिएको चारवटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँ एउटा सर्च इन्जिन होइन सो अफकोर्स फेसबुक डट कम सर्च इन्जिन होइन यो चाहिँ एउटा सोसियल मिडिया साइट हो ट्वेन्टी फोरमा द प्रोसेस अफ ट्रान्सफरिङ फाइल्स फ्रम अ कम्प्युटर अन द इन्टरनेट टु यो कम्प्युटर इन्टरनेटमा रहेको कुनै एउटा कम्प्युटरबाट आफ्नो तपाईँको आफ्नो पर्सनल कम्प्युटरमा फाइल ट्रान्सफर गर्ने प्रक्रियालाई के भन्छ अफकोर्स डाउनलोडिङ भन्छ अप्सन नम्बर डी ट्वेन्टी फाइभमा वाट इज अ बल्क इमेल बल्क इमेल भनेको के हो सो इसको राइट एंसर होता ऑप्शन नंबर ए इट इज अ मार्केटिंग ईमेल सेंड बाय अ ब्रांड टू मल्टीपल रेसिपिएंट एट वन्स वान्स एउटा कंपनी द्वारा या ब्रांड द्वारा धेरै धेरे रेसिपिएंटोटी ईमेल सेंड करने प्रक्रिया बल्क इमेलिंग भाई हाई ट्वेंटी सिक्स में वेबसाइट्स फ्रंट पेज या मेन पेज इज कॉल्ड वेबसाइट को जो फ्रंट पेज होता या मेन पेज होता के भाई अफ कोर्स होम पेज भाइपन नंबर सी राइट एंसर ट्वेंटी सैवेन में जंक इमेल इज असो कल्ड जंक इमेल के बनी बनी so इसको right सो इसक राइट एंसर होप्शन नंबर डी स्पैम भाइ ट्वेंटी एट में विच इज नट अ कंट्री डोमेन तल दिए चार्टे कुछ कंट्री डोमेन होना सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर सी डट टीबी डट यूके हो यूनाइटेड किंगडम बुझा इसलिए डट एनपी बुझाऊ डट आईएन इंडिया बुझाऊ बुझाऊन ट्वेंटी नाइन में डैश इज नॉट अ डोमेन तल दी को चार वापस मधे कुछ एवं डोमेन होना सो अप्सन नंबर डी इसको राइट एंसर हो ट्रप बने डोमेन होना हई वेबसाइट नाम डट ओआरजी बट सक सम होट जीओबी होता तर डट टीआरओपी होते डैश इज नट एन ईमे कंपोनेंट तल दी के चार मध्य कुं चाह इमेल को एवं हिस्सा होना या पार्ट होना सो इसको राइट एंसर होता है ऑप्शन नंबर डी एबीसी इमेल लेख्ता बीसीसी सी सीसी सी सब्जेक्ट हो तर एबीसी नाम को कुछ चीज तक होटी वन में भेरिफिकेशन अफ अ लगइन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज लगइन नेम र पासवर्ड लाई लेरिफाई करने प्रक्रिया के भाइन सो इसको राइट एंसर अप्सन नंबर सी अथेन्टिकेशन भर्टी टू में एन एक्स्ट्रानेट इज विच अफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रानेट नेट बने के हो सो इसको राइट एंसर ऑप्शन नंबर ए द यूज ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स विथ लिमिटेड एक्सेस टू कंपनी डेटा बाय द कंपनीज कस्टमर्स एंड सप्लायर्स थर्टी थ्री में द इक्विपमेंट नीडेड फॉर डायलप इंटरनेट कनेक्शन इज डायलप इंटरनेट कनेक्शन मतलब फोन को लाइन यूज करें यदि तब इंटरनेट कनेक्ट करना चाहूँसा डिभाइस को आवश्यकता पड़ता नंबर ए मोडर्म को आवश्यकता पड़े थर्टी फोर में द सर्भर अन द इन्टरनेट इज नोन एज इन्टरनेटमा रहेको सर्भरलाई के पनि भनिन्छ सो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी होस्ट भनिन्छ थर्टी फाइभमा द फर्स्ट नेटवर्क द्याट प्लान्टेड द सिड्स अफ इन्टरनेट वाज संसारको सबैभन्दा पहिलो नेटवर्क जसले इन्टरनेटको विजा गर्नमा मद्दत पुर्यायो त्यसको नाम के थियो यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए आर्पानेट थर्टी सिक्स में वोइस मेल इमेल ऑनलाइन सर्विस द इंटरनेट एंड डब्लू 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 आर ऑल एक्जापल्स अफ ये सब के को उदाहरण हुईट एंसर होप्शन नंबर सी टेली को उदाहरण हुटी सेंवेन में अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेन्टिफाइड बाई इंटरनेट में रहकर कुछ भी कंप्यूटर के द्वारा चिनी या पहचान सो आईपी एड्रेस द्वारा पहचान करंबर सी इसको राइट एंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट विच ऑफ द फॉलइंग टोपोलॉजी टोपोलॉजी एवं तरीका हो कंप्यूटर एक आपस में कनेक्ट करने सो विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी शेयर्स अ सिंगल चैनल ऑन विच ऑल स्टेशन कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर बी बस टोपोलॉजी थर्टी नाइन में मेन प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट इज इंटरनेट में प्रयोग होने प्रमुख प्रोटोकल प्रोटोकॉल कौन हो प्रोटोकल भन्ना सेट अफ रूल्स हो सो इसको राइट एंसर होप्शन नंबर सी टी सीपीआईपी ओके लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी डैश टू सेंड एंड रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल सेंड रिस को प्रयोग सो इसको राइट एंसर होस एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओके okay, यो भिडियोमा यति नै होप यसमा इन्क्लुड गरिएको क्वेसन्सहरू तपाईँलाई राम्रो लागेको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिसनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो सी सिय सोन इन द नेक्स्ट वान